सत श्री अकाल, नमस्ते, हेलो और सलाम दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके चैनल टेक विद सिम पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ HCL में जो हायरिंग चल रही है अकाउंट्स पेएबल के लिए। साइड दोस्तों आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा ताकि मोटिवेशन बनता रहे और मैं आपके लिए ऐसी और अच्छी अच्छी वीडियोज लेकर आता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। अब नंबर पार्ट वन की दोस्तों बात करते हैं, जो है जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सबसे पहले दोस्तों इन्होंने कहा कि आपको पेमेंट्स कंप्लीट करने हैं, उसके अलावा दोस्तों आपको कंट्रोल्स करने हैं एक्सपेंसेस बाय रिसीविंग, उसके अलावा प्रोसेसिंग, वेरीफाइंग, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके आपने एक्सपेंसेस को करना है कंट्रोल। सेकंडली दोस्तों आपने करना है जो भी एंट्रीज है उनको वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है, आपने वेरीफाई करना है वेंडर के अकाउंट्स को, उसके साथ जो भी उनकी मंथली स्टेटमेंट्स है उनका भी आपने मेक श्योर ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों आपने टैक्सेस को रिपोर्ट करना है, आपने कैलकुलेशन रिक्वायरमेंट्स का काम करना है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने करना है दोस्तों, जो भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी को भी नहीं बताना है। और लास्ट दोस्तों आपने इन्हें स्पेशली कहा है कि आपने अपडेट्स करना है जॉब नॉलेज का, उसके साथ दोस्तों आपने पार्टिसिपेशन करना है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर। और इतना ही दोस्तों, आपको मेक श्योर जो भी रिजल्ट्स उन्होंने कहा है, जो भी आपको गोल्स उन्होंने कहा है वो आपने अचीव करनी है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इनका ध्यान रखना है, ये आपने करनी है। दोस्तों बात कर लेते हैं पार्ट टू की, जो कि है हमारा स्किल। सबसे पहले देखिए दोस्तों, आपकी स्ट्रॉन्ग अकाउंट स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों जो भी मैंने आपको डिटेल्स दी है वो मोस्टली वही लोग समझ पाएंगे जिनको अकाउंटिंग की नॉलेज है। तो अगर आपकी अकाउंटिंग की नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा। सेकंड दोस्तों, आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, गुड प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए इंग्लिश में भी। थर्ड दोस्तों, आपको नॉलेज होनी चाहिए MS Excel की। फोर दोस्तों, आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे होने ही चाहिए, उसके साथ दोस्तों आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश के अंदर भी बहुत अच्छे होने चाहिए। लास्ट दोस्तों आपने इन्हें स्पेशली कहा है कि आपको विलिंग होना चाहिए काम करने की, जब भी इनको जरूरत पड़े तो आपको वहां पे हाजिर होना पड़ेगा। तो ये सारे स्किल्स आपके में होने बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों बात कर लेते हैं पार्ट थर्ड की, जो कि है क्वालिफिकेशन। सबसे पहले देखिए दोस्तों, BCom, BBA, MCom, MBA, फाइनेंस, ये अगर आपने इनमें करी हुई है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। और एक बात और बोलने वाले कि दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हो बट आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही बढ़िया है तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट मेक श्योर आपने कॉमर्स ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट फाइनेंस में करी हुई होनी चाहिए। तो ये जॉब की क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी। अब दोस्तों बात करते हो करियर ग्लाइड की, यानी कि अगर आप इस जॉब में दोस्तों 3 साल काम कर लेते हैं तो आपको ये AP स्पेशलिस्ट बनाने वाले, यानी कि अकाउंट्स पेबल स्पेशलिस्ट, ये आपका डेजिग्नेशन हो जाएगा अगर आप इस कंपनी में 3 साल काम कर लेते हो। दोस्तों बात कर लेते हैं हमारे लास्ट पार्ट की, शिफ्ट्स और इंटरव्यू डिटेल्स। देखिए दोस्तों, इन्होंने स्पेशली कहा है कि आपकी 1 से लेकर 2 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलती रहेगी। उसके अलावा दोस्तों आपके जो शिफ्ट्स रहने वाले हो, ये US या फिर UK शिफ्ट्स, 24/7 आपका रहने वाला है। उसके अलावा दोस्तों आपको वीक ऑफ मिलने वाला है, कोई भी 2 दिन है दोस्तों वो 1 हफ्ते में जो दो दिन होंगे उसमें आपको छुट्टी मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि सैटरडे संडे को ही मिलेगा, वो फिक्स नहीं है, बट या हफ्ते में आपको 2 छुट्टी मिलने वाली है। और यूके यूएस शिफ्ट आपकी रहने वाली है। इंटरव्यू ड्रेस की दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आपने उस लिंक पे क्लिक करना और मेक श्योर आप उस पे जो भी डाटा फिल कर रहे हो वो आपका ऑफिशियल होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि अगर आपके 60% आए आप वहां पे 70% डालो, ठीक है दोस्तों। तो मेक श्योर जो भी उन्होंने डिटेल्स आपसे मांगे, आपकी पर्सनल डिटेल, वो आप बिल्कुल वैलिड फिल करो। दोस्तों जैसे ही आप उसको फिल कर लोगे आपको 24 घंटे के अंदर रिप्लाई आएगा। अगर वो नहीं आता है तो मैं उसके साथ दोस्तों आपको डिसीजन बॉक्स में HR की ऑफिशियल ईमेल आईडी देने वाला हूं, उन पे आप अपना रिज्यूम सेंड कर सकते हो। जैसे आप उसको दोस्तों सेंड कर दोगे ऑटोमेटिकली आपको HR की तरफ से रिवर्ट बैक आने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको एक बार और बोलने वाला हूं कि जो ये कंपनी में आपको सैलरी मिलने वाली है वो है 1.80 लाख का पैकेज, और ये स्टार्टिंग पैकेज है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा होगा, आपको आपकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल ओके रहेगी, आपके स्किल्स बढ़िया रहेंगे, तो आपको और अच्छी सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है। दोस्तों जो आपकी वर्क लोकेशन रहने वाली दोस्तों वो है नोएडा में, HCL का ऑफिशियल अपना ऑफिस है वहां पे, आपका वहां बैठ के आपको काम करना पड़ेगा। उसका दोस्तों जो आपका इंटरव्यू रहने वाला है दोस्तों, वो मंडे से लेके फ्राइडे तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है, सुबह 11 से लेके शाम के 7 बजे तक आपका इंटरव्यू रहने वाला है। बट उससे पहले आपको लिंक पे अप्लाई करना है, 24 घंटे वेट कर लेना, नहीं तो अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो दोस्तों आप HR के ऑफिशियल ईमेल आईडी में अपना जो है रिज्यूम वो शेयर कर दीजिएगा। मेक श्योर आपका अपडेट रिज्यूम भी आप उनको भेजिएगा, और मेक श्योर अगर आपका सारा एलिजिबल मैच होता है
तभी आप उनको कॉन्टैक्ट करिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको ये डिटेल्स देनी थी। मैं होप करूंगी दोस्तों आपको साइट अच्छे समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों इसको लाइक करिएगा और पसंद आए तो शेयर करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम या क्वेरी है दोस्तों आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।